आज का जो अपना विषय है इसको चालू कर दो। अभी चालू अपना जो विषय है कालाम सूत्र, उसको लेकर हम कुछ जानकारी लेते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए मैं कल की कुछ बातें जो है आज नहीं दोहरा था, फिर कभी देखेंगे। तो कल हमने यह देखा कि कालामों ने जाना, उनको जानकारी मिली कि भगवान बुद्ध उनके नगरी में आए हैं, तो वो ये कहने लगे कि इससे भगवान का दर्शन करना उत्तम है। तो उनके मन में कुछ पूछने की बात नहीं थी, केवल दर्शन करना है, केवल देखना है। सो भारत में जो परंपरा है वही हम कल देखे हैं कि लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, कुछ पूछने के लिए नहीं जाते, कुछ शंका समाधान के लिए नहीं जाते। साधु संतों से दूर से ही दर्शन करते हैं, बैठे रहते हैं, शांति मिलती है, वापस आते हैं, तो ये उत्तम था। तो वो गए, मतलब स्वयं चलकर उनके नजदीक गए बुद्ध के पास। सो बुद्ध के नजदीक जाने के बाद उन्होंने जो हमने कल देखा कि किसी ने अभिवादन किया, कोई चुपचाप बैठ गया, किसी ने प्रदक्षिणा की, किसी ने अपना नाम गोत्र बताया, तो बहुत ही आदर्श के साथ उन्होंने किया। और यहाँ एक शब्द है सम्मोदन, और ये शायद आज सवाल भी पूछा गया था। तो सम्मोदन का मतलब है सम अधिक मोदन, ऐसा उसका संधि विग्रह होता है। सम का मतलब इकट्ठा आना, एकत्रित होना, जोड़ना, जुड़ना, इस तरह से उसको करो। और मोदन का मतलब है आनंद, जॉय, खुशी। जैसे हम प्रमोदन कहते हैं, मुदिता कहते हैं, या तो उस तरह से मोदन का मतलब आनंदित होना, जॉयफुल होना, इंग्लिश में उस तरह से खुश होना। सो खुश होकर सम्मोदन मतलब एक साथ, मतलब बुद्ध भी खुश थे कालाम आए तो, और कालाम भी खुश थे बुद्ध के पास गए तो। सो दोनों तरह से खुशी से उन्होंने एक दूसरे को, बुद्ध ने स्वागत किया, उन्होंने हाथ जोड़े, वो बैठ गए, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये सम्मोदन का अर्थ है कि दोनों तरफ से खुशी जाहिर हुई उनके आने की, उनके स्वागत की, उनके देखने की, और उस आधार पर उन्होंने एक दूसरे के साथ यह, जिसको हम इंग्लिश में म्यूचुअल ग्रीटिंग्स कहेंगे, हाँ, जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं तो खुशी से जय भीम कहते हैं, उसी तरह से ये खुशी का माहौल है एक दूसरे को खुश करने का। तो उस तरह से वो बैठ गए। फिर एक और बैठे हुए कालामों ने भगवान को कहा, तो ये तो दर्शन करने गए थे, पूछने तो नहीं गए थे, अब शांति से बैठे तो पूछने भी लगे। और फिर कहते हैं भंते, कोई कोई श्रमण ब्राह्मण केश पुत्त में आते हैं, अपने ही वाद को प्रकाशित करते हैं, घोषित करते हैं, दूसरे के वाद पर नाराज होते हैं, निंदा करते हैं, परित्यक्त कराते हैं। तो यहां पहला ही शब्द है बुद्ध को वो भंते कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं, भंते। और भिक्कुओं को भंते करके बुलाया जाता है। तो भंते एक अत्यंत आदरणीय ऐसा शब्द है,
जो बुद्ध काल से चले आ रहा है। सो बुद्ध को भी लोग भंते करके बड़े आदर से बुलाते थे, तो यहां वो शब्द का प्रयोग है। तो बड़े आदर से वो भगवान को, बुद्ध को सवाल पूछ रहे हैं, अपना बात बता रहे हैं। सवाल के बजाय हम ये कहेंगे कि अपनी बात बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण केशपुत्र में आते हैं। अब श्रमण ब्राह्मण कौन है ये कल हमने देखा, तो श्रमण और ब्राह्मण दोनों उनके नगर में आते हैं और वह क्या करते हैं, अपने ही वाद को प्रकाशित करते हैं। हमने कल भी देखा प्रकाशित करने का क्या मतलब है। प्रकाशित करना जिसको हम कहते हैं प्रकाश डालना, मतलब कुछ चीज छिपी है तो उसको बताना, उसको प्रकाशित करने से, यहां कुछ चीज छिपी है और मैं उसको टॉर्च से प्रकाश डालता हूं तो क्या होगा, वो दिखेगी। उसी को कहते हैं प्रकाशित, कि जो कुछ भी छिपा हुआ है, जो कुछ भी अदृश्य है उसको दृश्यमान करना, उसको दिखाना, उसको स्पष्ट करना, उसको बाहर लाना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अपने ही बात को प्रकाशित करते हैं, अपने ही बात को बताते हैं, अपने ही बात को स्पष्ट करते हैं। बात का मतलब है उनके जो मत है, उनकी जो शिक्षा है। सो ब्राह्मण की शिक्षा होगी वो ब्राह्मण बताएगा, श्रमण की शिक्षा होगी वो श्रमण बताएगा। और कल हमने देखा श्रमण और ब्राह्मण दोनों की शिक्षा एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। तो श्रमण अपनी बात शिक्षा बताता है, ब्राह्मण अपनी शिक्षा बताता है। तो वो कहते हैं कि वो अपनी ही बात को, अपने ही मत को बताते हैं, घोषित करते हैं। घोषणा देने का मतलब, घोषणा धीरे धीरे थोड़ी ही बोली जाती है, घोषणा देने का मतलब क्या हुआ, जोर से बड़ा आवाज करके मोटे आवाज में। कभी कभी हम गुस्सा होते हैं तो जोर से बोलते हैं कि नहीं, और बोलते हैं कि जब तक जोर से बोलेंगे नहीं वो सुनता नहीं है। तो ये भी मतलब है कि अपना बात तो बता दिया लेकिन जोर से बता दिया, घोषणा करके बता दिया, मोटे आवाज में बता दिया ताकि वो सुने। फिर दूसरे के बात पर नाराज होते हैं और दूसरे का जो मत है उस मत के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, वो नाखुशी जाहिर करते हैं। उतना ही नहीं, नाराजगी ही जाहिर नहीं करते तो दूसरे के बात को गलत ठहराते हैं, उसकी निंदा करते हैं। वो किस तरह से गलत है, किस तरह से अयोग्य है तो उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको तरह तरह से लांछन लगाते हैं दूसरे के बात को। और फिर क्या करते हैं अंत में, परित्यक्त कराते हैं, मतलब छुड़वाते हैं, छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं कि तुम उस मत को मत मानो, उसके लिए बाध्य करते हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती कराते हैं। ये उन्होंने अपनी बात कही कि एक श्रमण आया या एक ब्राह्मण आया, उसने अपने बात को इस तरह से रखा, दूसरे के बात को काटा, दूसरे के बात को गलत कहा और मोटे आवाज में उसको बताया और फिर उसको छुड़ाने के लिए मजबूर किया, उसको छुड़वाया। फिर कहते हैं भंते, दूसरे भी कोई श्रमण ब्राह्मण केशपुत्र में आते हैं, वह भी अपने ही बात को प्रकाशित करते हैं, निंदा करते हैं, परित्यक्त कराते हैं। सो एक आएगा, एक बात कहेगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा बात करेगा, वो उसको गलत कहेगा, वो भी उसको छोड़ने के लिए कहेगा। तो ऐसा उनके सामने सवाल है। और यहां जो श्रमण ब्राह्मण है उस वक्त बुद्ध के काल के समय के, छह श्रमण ब्राह्मण
कुछ उसमें से कुछ श्रमण भी थे, कुछ ब्राह्मण भी थे। तो ऐसे छह गणमान्य विद्वान लोग थे, छह प्रकार। उनके नाम आप बुद्ध और उनके धम्म में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी बता देता हूं, लेकिन बुद्ध एंड धम्म से आप उनकी शिक्षा क्या है वो आप जान सकते हैं। केवल नाम मात्र के लिए मैं बताता हूं। पहले है पूर्ण काश्यप, पूर्ण काश्यप कहो या पूर्ण काश्यप कहो, ये एक है। दूसरा है मक्खली गोसा, तीसरा है अजीत केसकंबल, चौथा है पकुद कात्यायन। यहां लिख दूंगा कल, अब जितना होता है उतना लिख लीजिए। फिर पांचवा है संजय वेलट्टीपुत्ता और छठा है महावीर। संजय वेलट्टीपुत्ता के सारिपुत्त और मोग्गलान शिष्य थे जो उनको छोड़कर बुद्ध के तरफ आए। तो ऐसे यह छह उस वक्त के जिनका प्रभाव काफी सामान्य लोगों पर था। तो मगध और कौशल साम्राज्य में जितनी भी प्रजा थी उन प्रजा पर इन लोगों का काफी प्रभाव था। कोई पूरण काश्यप के शिष्य थे, कोई मक्खली गोसाल के शिष्य थे, कोई अजित केसकंबल के शिष्य थे, कोई पकुद कात्यायन के शिष्य थे, कोई महावीर के शिष्य थे, कोई संजय वेलट्टीपुत्त के शिष्य थे। तो इन सारे लोगों के बीच में ये जो है, और ये जब एक से दूसरे के संपर्क में आते थे तो एक दूसरे के वाद की, एक दूसरे के शिक्षाओं की निंदा करते थे, गलत कैसा है ये बताते हैं और उसको छोड़ने के लिए मजबूर कराते थे। तो उन्हीं के बारे में यहां ये बात है जो कालाम पूछते हैं। कालाम बुद्ध को पूछते हैं कि ऐसे श्रमण ब्राह्मण आते हैं और इस तरह से अपनी अपनी बात की बढ़ाई मारते हैं, दूसरे के बात की निंदा करते हैं, दूसरे के मत शिक्षा को गलत ठहराते हुए हम पर जबरदस्ती करते हैं उसको छोड़ने के लिए, और हम उसको छोड़ देते हैं। तब वो कहते हैं भंते हमें कांक्षा या विचिकित्सा होती है, कौन इन आप श्रमण ब्राह्मणों में सच कहता है और कौन झूठ। एक आएगा एक कहेगा, दूसरा आएगा दूसरा कहेगा। तो हमारी भूमिका भी ऐसी होती है, राजनीति में भी वैसा होता है, एक एक कहेगा दूसरा दूसरा कहेगा, बोलेगा उसको मत मानो इसको ही वोट दो, उसको वोट मत दो, दूसरा आएगा बोलेगा उसको वोट मत दो इसको ही वोट दो। सर्वसाधारण इंसान संभ्रमित होगा। हम स्पिरिचुअल बात करते हैं, स्पिरिचुअल के तौर पर हम ऐसा माने, मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है, दूसरा कहता है ईश्वर है, आप संभ्रमित होंगे या नहीं होंगे, मैं सच कह रहा हूं या वो सच कहता है, मेरा भी बड़ा नाम है उसका भी बड़ा नाम है, वो भी महान गुरु कहलाता है मैं भी महान गुरु कहलाता हूं। तो एक एक कहेगा और दूसरा उसी के विरोध में कहेगा तो तुम्हारे मन में शंका पैदा होगी या नहीं होगी, ये सच है या ये सच है। ये सर्वसाधारण बात है कि इस तरह से सर्वसाधारण इंसान के मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। और इनका कालामों का जो सवाल है, तो कालाम दूसरे तीसरे कुछ नहीं है, हम ही कालाम है, ये शंका हमारे में भी है कि नहीं, ये शंका किसी न किसी बात को लेकर आपके अंदर भी होती है। और क्लासिक उदाहरण देखो,
तो घर में यदि छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को टीचर पढ़ाता है वो अलग तरीके से, और उसका माँ या पिता उसको अलग तरीके से समझाते हैं, तो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा क्या बोलता है? मैंने सुना है ये सब, इसलिए कह रहा हूं, वो कंफ्यूज हो जाता है, तुम्हारा मानो कि टीचर का मानो। ऐसा ही हमारी स्थिति है, मैं किसका मानू, तुम सच कह रहे हो या वो सच कह रहा है? यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये कालाम 2500 साल पहले के नहीं है, हम स्वयं हर एक व्यक्ति कालाम के भूमिका में है। हमारी हर एक की मानसिक अवस्था बहुत बार, कभी ना कभी नहीं, अपवाद के तौर पर नहीं, बहुत बार हम कालामों के स्थिति में होते हैं और कालामों के स्थिति में ही जीते रहते हैं। हम कभी निर्णायक नहीं होते, हम बौद्ध होते हुए भी वही होता है। हम बौद्ध होते हैं और बोल ठीक है, थोड़े से समय के लिए ऐसा कर लिया तो क्या होता है, वो भी तो ठीक है, उसको भी कर लो, इसको भी कर लो, बौद्ध धर्म के विरोध में आचरण करते हैं, होता है ऐसा, परिवार में होता है, हर जगह होता है। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है इन कालामों के शंका से परे नहीं है, हम कालाम की स्थिति में ही जी रहे हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, तब ये सूत्र हमारे लिए लागू होता है कि क्या सच और क्या झूठ। सो बुद्ध क्या उत्तर देते हैं, देखिए बुद्ध क्या कहते हैं, कालामो तुम्हारी कांक्षा, तुम्हारी विचिकित्सा, तुम्हारी शंका कांक्षणीय स्थान में ही तुम्हें संदेह उत्पन्न हुआ है। मतलब जहां संदेह लेने योग्य बात है वहीं तुम्हें संदेह उत्पन्न हुआ है, जहां शंका उपस्थित होनी चाहिए वहीं तुम्हें शंका उपस्थित होती है। कभी कभी हम जहां शंका उपस्थित नहीं करनी चाहिए वहां भी शंका उपस्थित करते हैं, वो गलत है, वो विचिकित्सा नहीं है, वो विचिकित्सा नहीं है। विचिकित्सा का मतलब है कि जहां योग्य है, जहां उचित है वहीं शंका उपस्थित करना, उसी चीज को शंका के दृष्टि से देखना, किसी भी चीज को नहीं। तो इस बात को हमने समझने की जरूरत है कि बुद्ध उनको आश्वस्त कराते हैं कि हां कालामो, जिस जगह तुम्हें संदेह उत्पन्न होना चाहिए उसी जगह योग्य संदेह उत्पन्न हुआ, संदेह करने लायक जो ठीक है स्थिति है उसी जगह तुम्हें संदेह उत्पन्न हुआ, उसी जगह तुम्हें कांक्षा उत्पन्न हुई, शंका या विचिकित्सा तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई। फिर कहते हैं आओ कालामो, तो कालामो को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं मत तुम अनुश्रव से, पहली बात मत तुम अनुश्रव से, मत परंपरा से, मत ऐसा ही है से, मत पीटक संप्रदान से, मत तर्क के कारण से, मत न्याय हेतु से, मत आकार के विचार से, मत चिर विरचित मत के अनुकूल होने से, मत वक्ता के भव्य रूप होने से, मत श्रमण हमारा गुरु है से विश्वास करो। सो बुद्ध ने क्या कहा, यह 10 क्राइटेरिया बताया, 10 बातें बताई, जिन 10 बातों के तहत वो कहते हैं
मत विश्वास करो, परंपरा को मत मानो, ग्रंथ को मत मानो। यहां एक एक बात है, अनुसरण से, बार बार सुनने से जो हुआ उससे मत मानो, परंपरा से मत मानो, ऐसा ही है, मतलब सुनने मात्र से मत मानो। अफवाह कोई कहता है उसको रूमर से अफवाहें कहते हैं, हिंदी में क्या शब्द होगा अफवाह को, पीटक संप्रदान, मतलब ग्रंथ से, ग्रंथ को नहीं मानो, शास्त्रों को मत मानो, फिर तर्क को भी मत मानो, फिर जो न्याय है उसको भी मत मानो, फिर एकादा विचार बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके दिया है इसलिए भी उसको मत मानो। मैं जिस मत का हूं उसी मत के अनुसार कोई बता रहा है इसलिए भी उसका मत सुनो। फिर किसी की पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित करने वाली है तो उस पर्सनैलिटी पर जाकर भी मत मानो। और अंत में है कि हमारा श्रमण या हमारा ब्राह्मण बहुत बड़ा गुरु है इसलिए वो कहता है इसलिए भी मत मानो। सो बुद्ध ने यह 10 बातें बताई कि इनको मत मानो। फिर क्या कहते हैं बुद्ध आगे, जब कालामो तुम अपने ही जानो। क्या कहते हैं, कालामो तुम अपने ही जानो, यह धर्म अकुशल है, यह धर्म सदोष है, यह धर्म विज्ञनिंदित है, यह लेने पर ग्रहण करने पर अहित के लिए होता है, तब कालामो उसे छोड़ देना। सो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने रेडीमेड आंसर नहीं दिया। बहुत बार हमें आदत होती है कोई पूछता है तो रेडीमेड आंसर देने की, तैयार परोसने की, ये लो खाओ, ऐसी हमें आदत होती है, हर किसी को होती है, कोई पूछने आता है हम परोस देते हैं। बुद्ध ने ये काम नहीं किया, बुद्ध ने कहा कि नहीं, मत विश्वास करो ना, ये सारी बातें हमारे जीवन से संबंधित है जो भी है, मत मानो इनको, इन पर मत विश्वास करो। विश्वास किस पर करो, स्वयं पर, स्वयं जानो, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं जानो कि ये जो कुछ भी बता रहा है ये मेरे अहित के लिए है या हित के लिए। उससे यदि अहित होता है, उससे यदि दुख होता है तो तुम छोड़ दो। यहां मुद्दा कहां लाया, इंसान को जिम्मेदार बनाया, तुम स्वयं जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारी है स्वयं जानना, अपने अनुभव पर परखो, तुम्हारा अनुभव क्या है, तुम किस अनुभव से जी रहे हो, तुम अपने अनुभव के आधार पर जानो। तो उन्होंने उस इंसान को, उन कालामों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, जिम्मेदारी बताई कि तुम स्वयं जिम्मेदार हो, क्या गलत है क्या सही है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए। गलत होगा मैंने किया, सही होगा मैंने किया, इससे क्या होगा, दूसरों को दोष देने से हम बच जाते हैं, हम दूसरे पर लांछन लगाने से बच जाते हैं, हम अपने आप को देखते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है और हम स्वयं जिम्मेदार बनते हैं। सो बुद्ध ने यहां कालामो तुम स्वयं जानो, इस भाषा से जिम्मेदारी का एहसास करा के दिया कालामों को कि तुम जिम्मेदार बनो, तुम अपने कृति की तुम जिम्मेदारी लो।
ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो कोई भी प्रौढ़ इंसान वो स्वयं के जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं। सो बुद्ध यहां सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इंसान को यदि अपना जीवन उन्नत करना है तो स्वयं जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए, स्वयं जिम्मेदार बनना चाहिए, उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जब तक उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उन्नत नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता, उसकी प्रगति नहीं हो सकती, जब तक उसके अंदर उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं आता। नहीं तो वह गुलामों के तरह जी सकता है। सो गुलामी से मुक्ति पाना है और अपने आप को स्वतंत्र व्यक्ति करके जीना है तो यह पहली बात है, तुम स्वयं जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी का एहसास होने दो। तो आइए, ये जिम्मेदारी का एहसास देने के पहले ये जो 10 बातें हैं उसको हम थोड़ा सा जान लें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने शुरू में ही कहा, सावित्री का उल्लेख करते हुए और यहाँ की परिस्थिति जो मैंने अनुभव की विद्यार्थियों के बीच में, आपकी तो अभी 20-21वीं बैच होगी, 21वीं है या 20वीं है? 19वीं है, 19वीं बैच है। तो इसके पहले 15-16 बैच तक जितने भी आए हैं यहाँ, 17 बैच तक, उनको हमने देखा। उनमें से कुछ कच्चे घड़े निकले, कुछ पक्के घड़े निकले, कुछ इतने कच्चे रहे कि पानी में डालते से ही पूरी तरह से मिट्टी बन गए, ऐसे भी घड़े हमने देखे हैं। तो खैर, अपनी अपनी बात है, तो उसी के आधार पर ये आगे की बात है। तो यहाँ पहली बात आती है, आओ कालामो मत तुम अनुश्रव से। अनुश्रव, श्रव का मतलब सुनना, अनु का मतलब है बार बार, बार बार सुनने मात्र से मत विश्वास करो। एक ही बात को यदि बार बार कोई बताता है तो उस पर मत विश्वास करो। कितनी सटीक बात कही। ऐसा कहा जाता है कि दूसरा जो महायुद्ध हुआ, क्या नाम था पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था हिटलर के सेना का, और वो एक ही झूठी बात को बार बार रिपीट करता था और लोग उसको सच मानने लगे थे। उसका बहुत अच्छा नाम है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो किसी भी झूठी बात को, किसी भी गलत बात को बार बार कहो, वो सही लगने लगती है। हमारा कुछ अनुभव है क्या? हमारा इतना ही अनुभव है कि हम सुन रहे हैं और बार बार सुन रहे हैं, और हमारी जो पर्सनैलिटी बनी है आज की, आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, जो हमारा व्यक्तित्व बना है, जो हमारी पर्सनैलिटी बनी है, वो कैसे बनी है? बार बार सुनकर ही तो बनी है ना। ऐसा कोई कह सकता है कि बार बार सुनना सुनकर मेरी पर्सनैलिटी बनी है? नहीं, हम भाषा सीखे हैं, अपनी अपनी भाषा सीखे है, अलग अलग भाषा से यहाँ लोग हैं आपके बीच में, बार बार सुनने से ही भाषा सीखे कि नहीं? आपके मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके परिजनों ने कितनी बार एक ही बात रिपीट किया होगा आपको, एक ही शब्द को, तभी तो आप वो भाषा सीखे, बार बार आपके कान में वो भाषा गई, तभी तो आप उस भाषा से परिचित हुए। तो आपकी भाषा हो, आपका विचार हो, आपकी कल्पना हो,
आपकी सोच हो, जो कुछ भी आपके अंदर है वो कहां से है, बार बार सुनकर। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त भी हम सुनते ही हैं। जो कोई भी ग्रंथ पढ़ता है, जो कोई भी किताब पढ़ता है, वो असल में क्या करता है, वो सुनता है। पढ़ता है मतलब क्या करता है, वो अपने मन से सुनता है। पढ़ने मात्र से नहीं पढ़ता। कभी कभी हम भी स्वयं जोर से पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं और हमारा पढ़ा हुआ ही हम सुनते हैं। बचपन में हम कहते हैं ना बच्चों को, जरा पढ़ के जोर से पढ़ो, ये बात होती है। तो बचपन से, जन्म से लेकर हम सुनते सुनते हमारे विचार, हमारी कल्पना, हमारे दृष्टिकोण, हमारी भाषा, सब कुछ सुनकर ही तैयार हुआ है। बार बार सुनकर तैयार हुआ है। कभी हमने शांति से बैठकर चिंतन नहीं किया कि क्या ये सच है। भाषा पर झगड़े होते हैं, खान पान पर झगड़े होते हैं, बातचीत पर झगड़े होते हैं, संस्कृति पर झगड़े होते हैं। वो कहता है ये मेरा ही सच है, ये गलत है, ये मेरा ही सच है। वो अपनी बात को लगाता है, वो अपनी बात को लगाता है। एक दूसरे से ठोक ठोक के बातें करते हैं, झगड़ते हैं और मुक्केबाजी पर आते हैं। किस बात के लिए? मेरी ही भाषा श्रेष्ठ है, क्यों ये एहसास, किस कारण? भाषा तो संवाद की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, संपर्क की बात है, विचारों के आदान प्रदान की बात है। आपको यदि इंग्लिश नहीं आता, मुझे इंग्लिश आता है, मैं इंग्रज हूं, आप इंग्रज नहीं है, तो हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए भाषा का मतलब है बोलना, एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान करना। सो दैनंदिन व्यवहार के लिए भाषा की जरूरत है। लेकिन भाषा को हमने श्रेष्ठ मान लिया कि मेरी भाषा श्रेष्ठ है और दूसरे की भाषा गलत है, तो फिर झगड़े की बात आ जाएगी। ऐसा नहीं। इसी तरह से यह बातें हैं कि हम अनुश्रव से बार 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 सुनने से हमारे मत बन जाते हैं, हम उस मत के हो जाते हैं। दूसरी एक बात कहता हूं ना, बड़ी सटीक बात है। अब आप में से किसी को पूछूंगा कि आपकी जात क्या है, कोई फटाक से कह देगा कि मैं इस जाति का हूं। आप नींद में हैं और कोई आया और आपको हिलाकर बोला, ए तेरी क्या जात है, फट से बोल देंगे मैं इस जात का हूं। आपने क्यों बोल दिया वो जात का है, जात का क्या मायना है? कुछ मायना है, लेकिन किसने पढ़ाया आपको? आपके माँ बाप ने, आपके परिजनों ने, आपके अभिभावकों ने, आपके समाज ने आपके अंदर बता दिया तू इस जात का है, और मैंने मान लिया मैं उस जात का हूं। फिर उस जाति को लेकर कोई गाली देता है तो यहां चूभते हैं। तो आपने क्या किया, सुन सुनकर मैं इस जात का हूं ये आपने स्वीकार कर लिया।
तो आपका व्यक्तित्व उसी आधार पर बन गया। आज हम बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं, आज हम इस इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ते हैं कि जात नाम की कोई चीज नहीं, ये मानसिक कल्पना है। आप यहां है, आपको पता नहीं, यहां एक दूसरे की जात आपको पता नहीं है, आप ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हैं, आप भाई बहन करके यहां है। लेकिन जैसे ही आप अपने गांव में जाएंगे, वो उस जात का है, वो उस जात का है, वो उस जात का है, मैं इस जात का हूं, करोगे या नहीं करोगे? गांव के सरहद पर पांव रखते ही पहला आदमी दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा ये इस जात का है, पहले दिमाग में आएगा ये इस जात का है। काहे पर से जात उसकी निश्चित कर दी आपने, यहां आपने किसी की जात नहीं बता सकते। गांव के सरहद पर जाते से ही आप कैसे जात बता सकते हैं? ये अनुसव का मतलब है कि सुन सुनकर आपका मत तैयार हो गया है, आपका अस्तित्व बन गया है, आपने स्वीकार कर लिया है ये सच है। और बुद्ध यह पहले ही इस बात को नकारते हैं, मत विश्वास करो। कितनी बड़ी बात कही बुद्ध ने, जिस बात को हम सच मान के जी रहे हैं वह बात सच नहीं है, यह बुद्ध हमें सिखाते हैं। यह पहली बात है कि हर एक व्यक्ति इस स्थिति से गुजरता है। तो इसलिए हमारे मत के लिए हम आग्रही होकर दूसरे से झगड़ा करना, दूसरे से वाद विवाद करना, दूसरे से शत्रुत्व पैदा करना, यह सरासर गलत है। इसलिए जब आप मैत्री भावना करते हैं और जब चौथे चरण में नापसंद व्यक्ति पर मैत्री भावना करते हैं, उसके साथ आपका शत्रुत्व हुआ है, उसके साथ आपकी पसंद नापसंद काहे से निश्चित हुई है? उसको बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती है, आप क्यों उसको गलत कह रहे हो कि ये बैंगन की सब्जी गलत खा रहा है, ये अच्छी सब्जी नहीं है? किस आधार पर आपने तय कर लिया? कोई आधार है आपके पास? सुन सुनकर या बचपन से मम्मी ने आपको परोसा कि नहीं ये बैंगन की सब्जी हमारे लिए अच्छी है तो बैंगन की खाना चाहिए, तो आप अच्छे खा रहे हो, और उसके मम्मी ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, तो उसको नहीं खा रहा है, और उसी के लिए आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। खाना है पेट भरने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन लड़ाई क्या हो रही है? ये खाना गलत है, ये खाना सही है, ये मेरा खाना श्रेष्ठ है, इसका खाना बकवास है, इसके लिए लड़ाई हो रही है। और उस पर से क्या हो रहा है? फिर शत्रुत्व निर्माण हो रहा है, नापसंदगी निर्माण हो रही है। कहां से आई ये पसंदगी नापसंदगी? हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे दृष्टिकोण, हमारे मत से आप उसको सच मानो। तो सच और झूठ के जो बाद में हम देखेंगे उसको, अभी क्या बता रहे हैं कि जो कोई बार बार कहता है इसलिए वो सच है, ऐसा ही मत स्वीकार करो, ऐसा ही मत मानो। तो जो कुछ भी मैंने उदाहरण दिए हैं, जो कुछ भी बताने की कोशिश की है, आपके समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूं कि हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारा जो कुछ भी हम जो कुछ भी बने हुए हैं, वह केवल बार बार सुनने मात्र से ही हम बने हुए हैं।
कोई भी ओरिजिनलिटी हमारे अंदर नहीं है, जो कुछ भी है हम वो सब सुनने मात्र से है, सब बार बार सुनकर ही हमने ये किया है और उसी से हमारी व्यक्तित्व हम बना चुके हैं। सो बुद्ध पहली बार वो बात कहते हैं कि किसी ने बार बार कुछ कहा और बार बार सुनने मात्र से वह सच नहीं है। तो मैंने आपको कुछ सटीक उदाहरण दिए हैं, इसलिए जब हम मैत्री भावना की साधना करते हैं और चौथे पायरे में लेते हैं तो हमारे शत्रुत्व का कोई आधार नहीं होता। मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए वो गलत है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि मैत्री भावना की साधना करते वक्त आप विधायकता से सोचो, जैसे मैं किसी को प्रिय वो भी किसी को प्रिय इसलिए वो सुखी है। मैं अपने माता पिता के लिए प्रिय हूं, परिजनों के लिए प्रिय हूं, वो भी अपने माता पिता के लिए और प्रियजनों के लिए और दोस्तों के लिए प्रिय है इसलिए वो सुखी रहे। ऐसा विधायक भाव पैदा करते हुए भी हमने नापसंद व्यक्ति या शत्रु पर मैत्री करने की जरूरत है। तो कोई भी शत्रुत्व जो है उसका कोई आधार नहीं होता। सुनी सुनाई बातों पर, हमारे कल्पना के आधार पर हम एक दूसरे को नकारते हैं या स्वीकारते हैं। तो यहां ये पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बुद्ध ने कहा, बार बार सुनने से बार बार सुनने से हम सच मान लेते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि बार बार सच मत मानो। फिर दूसरी बात होती है परंपरा से। आज कोई शास्त्र को, धर्म ग्रंथों को, इसको उसको चेक करके नहीं देखता या पढ़ता या जाता है। तो ये परंपरा क्या है? ये ज्योतिष परंपरा हो सकती है, ये परिवार की परंपरा हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारे खानदान में ऐसा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, इस तरह से बातें होती है। ये परंपरा की बातें हैं। परंपरा की बात है कि शादी में वधु में वर के पांव पड़ने ही चाहिए, ये परंपरा है। आजकल वो टूट रही है, अच्छी बात है, धीरे धीरे और जल्दी टूटे तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी भी 90% तो वैसे ही होता है, 90% के बजाय 95% भी वैसा ही होता है, ऐसा माने तो चलेगा। केवल 5% कहीं कहीं ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन होता वही है। ये परंपरा है। वधु ने बाएं साइड में खड़ा रहना चाहिए, दाहिने साइड में वो खड़ी नहीं रह सकती, ये परंपरा है, ऐसा होना ही चाहिए। फिर और कुछ भी परंपरा जो मैं थोड़ा सा जानता हूं कि महिलाओं ने शादी किए बगैर किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए, पहले नहाना चाहिए तभी खाना पकाना चाहिए, ये भी परंपरा है। तो ऐसे कई परंपरा है। फिर अपने जाति में शादी होनी चाहिए, ये परंपरा है। अपने पूर्व जाति में ही शादी होनी चाहिए, उपजाति में ही शादी होनी चाहिए, ये परंपरा है। ऑनर किलिंग उसी के लिए होते है कि नहीं, कि भाई युवा अवस्था में किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आया, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आई, उन्होंने शादी कर ली, तो इसमें गलत क्या हुआ? दोनों प्राउड है, एक दूसरे को चाहते हैं, शादी कर लिया, तो गलत क्या है इसमें? लेकिन मां बाप को गलत लगता है, तो जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने 20 साल को पालन पोषण किया, उसका वो कत्ल कर देते हैं। एक नहीं, कई केसेस हुई है ऐसी भारतवर्ष में। कभी मां बाप नहीं मारते तो भाई मार देता है, कभी मां बाप और भाई नहीं मार सकते तो चाचा मामा मार देता है। ये सारी बातें हमारे बीच में होती हैं।
काहे की वजह से, हमारे परंपरा में है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जाति बिरादरी में है कि ऐसा नहीं हो सकता। सच है या गलत है ये नहीं, सच और गलत की बात नहीं होती, बात होती है हमारे परंपरा में ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और होता है तो दंडित होगा। ये सरे आम हमारे यहां होता है। अब दूसरा उदाहरण बताए, क्लासिक उदाहरण परंपरा के तौर पर, कि भाई हमारे धर्म की परंपरा है, हमारे संस्कृति की परंपरा है, लिंबू और मिर्ची डालकर हमने पूजा करनी चाहिए। तो फिर वो जगवार विमान हो या घर में आया हुआ कंप्यूटर हो, उसकी पूजा करनी ही है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, लिंबू मिर्ची से उनकी पूजा होनी चाहिए, नारियल फोड़ना चाहिए। फिर हम अवकाशयान भी छोड़ेंगे तो पहले नारियल फोड़ेंगे फिर बटन दबाएंगे, उसके पहले बटन नहीं दबेगी, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। सही है या गलत है, योग्य है अयोग्य है, इसकी कोई छानबीन नहीं, ये हमारी परंपरा है, ऐसा होना ही चाहिए और वैसा हम करेंगे ही। हमारे परंपरा में लड़की हाफ पैंट नहीं पहन सकती, सो हाफ पैंट पहनकर वो टेनिस बॉल कैसे खेलेगी, साड़ी पहनकर तो नहीं खेल सकती, उसको तो हाफ पैंट ही पहनना पड़ेगा। फिर हाफ पैंट पहनकर यदि वो टेनिस बॉल खेलती है तो ये हमारे परंपरा के विरोध में है, ये हमारे धर्म के विरोध में है, कि ये हमारे परंपरा में ऐसा नहीं है। फिर सच और गलत, सही या झूठ, ये बात नहीं है, परंपरा की बात। तो बुद्ध कहते हैं कि जो परंपरा से चली आ रही है बातें हैं उसको भी सच मत मानो, वो सच नहीं हो सकती, सच होगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को कुछ, जो कुछ भी मैं उदाहरण दे रहा हूं उससे? हाँ, कि ये जो परंपरा है, दूसरी बात अनुश्रव के बाद परंपरा आती है और हम परंपरा के तहत ही जीते हैं ना, अभी भी वैसे होता है कि नहीं? बाबा साहब ने इस देश में स्वतंत्र समता बंधुत्व दिया, इस देश की राज्य घटना स्वतंत्र समता बंधुत्व पर है, बाबा साहब को मानने वाला अंबेडकराइट व्यक्ति घर में सोफे पे बैठकर आवाज किसको देता है, बेटी एक ग्लास पानी ला, बेटा बाजू में बैठा है उसको नहीं बोलेगा कि पानी ला करके मेरे लिए एक ग्लास भर, किसको बोलेगा, बेटी को बोलेगा एक ग्लास पानी ला। ये परंपरा है कि पानी जो है वो बेटी लाएगी, माँ जो है बेटी को खाना कैसा बनाना है वही पढ़ाएगी, चाय कैसी बनानी है, रोटी कैसी बनानी है, बेटे को नहीं पढ़ाएगी। ये हमारी परंपरा है, अभी भी उतना बदला नहीं है, बदल रहा है, खुशी की बात है, धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं बदल रहा है। अभी भी कामकाजी महिलाएं नौकरी पर भी जाती हैं और घर में आकर दोनों डबल सीट आते हैं मोटरसाइकिल पर ऑफिस से, लेकिन चाय वही बनाती है, ये सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ता है। ये आज भी स्थिति है, ये परंपरा है।
तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान में लेना है, ये सच है या गलत है ऐसा नहीं, लेकिन परंपरा के तहत पर हम मानने के लिए मजबूर हैं। हम वैसा करते ही हैं, हम परंपरा के विरोध में नहीं जाते। सपोज आप घर में झाड़ू लगा रहे हो सामने के रूम में, और आपका कोई बुजुर्ग आदमी आ गया, क्या कहेगा? अरे घर में कोई नहीं क्या? घर की महिलाएं कहां गई? तू झाड़ू लगा रहा है। ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे? ऐसा ही होगा। ये पुरुषों का काम नहीं है, ये परंपरा है। तो इस तरह से बुद्ध बता रहे हैं कि ये जो सच है या गलत है, योग्य है अयोग्य है, इसका कोई सवाल नहीं है। ये परंपरा से है और परंपरा से ये सही है, यही सही है। ऐसा ही मानते हैं ना लोग कि परंपरा से चला आ रहा है ये सही है। ऐसी कई परंपराएं हैं, जाति को मानने की परंपरा है, धर्म को मानने की परंपरा है, धर्म और जाति के आधार पर जो व्यवहार है वो परंपरा के तहत आए हैं। सारी बातें परंपरा के तहत चल रही है और उसके गुलाम होकर हम जी रहे हैं, उसको सच मानकर हम जी रहे हैं। ये हमारी आज की स्थिति है। और बुद्ध ये कालामों को बता रहे हैं कि जो परंपरा से आई हुई बातें हैं उसको भी सच मत मान। स्पष्ट होगा कुछ? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, ऐसा ही है। ये ऐसा ही है का मतलब होता है, मैं सिद्धार्थ के पास गया और सिद्धार्थ को बता रहा हूं कि वो ना वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ को पता नहीं है, वो क्या कहेगा? हाँ वो ऐसा ही है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के बीच में? ये बहुत आम बात है, ये बहुत आम बात है कि ये ऐसा ही होता है और ऐसे ही हम जीते हैं। तो इसको कहा गया है अफवाहें फैलाना। महिलाओं के बीच में हो या पुरुषों के बीच में हो, हम एक दूसरे से बात करते हो, किसी के बारे में भी बात करते वक्त हम बोलते हैं कि हाँ वो वैसा ही है, आप कह रहे हो ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। आपने कोई छानबीन नहीं की, आपने उसके तह में नहीं गए, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा आप मान लिए। ये इस समाज के लोग ऐसे ही होते हैं, ये उस जाति के लोग वैसे ही होते हैं, ये इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं, वो उस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं, बस। और हम कहते हैं हाँ ये ऐसा ही है। तुम किसी के पास जाकर दूसरे के बारे में बोलो, वो भी आपका ही मत वाला है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ ऐसा ही तो है। ऐसा होता है। So, इस तरह से जब हम अफवाहों पर विश्वास रखना, उस बात का सच्चाई जानने के बजाय ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे ठीक से है, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ वो वैसा ही है। आपको भी कुछ थोड़ी ना थोड़ी जानकारी होगी, तो आप भी बोल रहे थे हाँ ये ऐसा ही है। इसलिए तो संसार में इन तीन बातों के तहत मत अनुभव से, मत परंपरा से और मत ऐसा ही है से हमारे क्या होते हैं, एक आइडियोलॉजी तैयार हो जाती है।
हमारा अपना तत्व ज्ञान तैयार हो जाता है, हमारा अपना एक दृष्टि तैयार हो जाती है। वह तत्व ज्ञान, वह दृष्टि इतनी मजबूत होती है कि उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए संसार में जो भी धर्म युद्ध हुए हैं, जितने भी धर्म युद्ध हुए हैं, उसके पीछे ये दृष्टि है, ये मत है, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मेरी ही बात श्रेष्ठ है, और दूसरा उस बात को नहीं मानता तो वो जीने के लायक नहीं है, वो जीवित रखने के लायक नहीं है। बस सो जितने भी धर्म युद्ध हुए हैं वो सारे ये दृष्टि परामर्श के वजह से हुए हैं, ये तत्व ज्ञान के वजह से हुए हैं, ये आइडियोलॉजी के वजह से हुए हैं कि ये मेरी आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी के लिए मैं जीता हूं, और इस आइडियोलॉजी को यदि कोई धक्का लगाने वाला है तो उसको नष्ट करने के लिए, या उसको नष्ट करने में यदि मेरी जान भी चली जाए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इस तरह से हम जीवन जीते हैं। आपके मत का किसी ने विरोध किया तो आपको कैसे लगता है, अरे ये मेरा शत्रु है। आप मीटिंग में बैठते हो, ग्रुप डिस्कशन में भी चर्चा करते हो, एक दूसरे ने चर्चा करते वक्त आपने कुछ मत रख दिया, दूसरे ने आपके विरोध में मत रख दिया, तो आपको क्या लगता है, अरे इसने मेरे मत को काटा है, ये मेरा दुश्मन बन गया। क्योंकि उस आइडियोलॉजी को लेकर, उस बातों को लेकर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, उससे मैं अपने आप को अलग नहीं समझता। मेरी आइडियोलॉजी और मैं, इसमें कोई फर्क महसूस नहीं करता। और मेरी जो आइडियोलॉजी बनती है ये इन तीन बातों से बनती है, अनुश्रव से, परंपरा से, और ऐसा ही है से। चौथी भी बात आती है उसमें, पीटक संप्रदान से, जो शास्त्रों में लिखा है। पीटक संप्रदान मतलब शास्त्र, धर्म ग्रंथ। पीटक संप्रदान का मतलब है जो धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसको मत मानो, ऐसा उसका मतलब है, वो कल देखेंगे हम। आज इतना ही है कि ये जो चार बातें हैं, इन चार बातों के तहत, और परंपरा जो है वो धर्म ग्रंथों के तहत ही तैयार होती है, लेकिन यहाँ चौथे नंबर पर आई है। तो ये जो परंपरा है, धर्म ग्रंथ बाजू में रह जाते हैं और परंपरा जीवित रहती है। धर्म ग्रंथ एक प्रकार से डेड हो जाते हैं, कोई मनुस्मृति पढ़ने जाता है कोई नहीं जाता, कोई वेद पढ़ने जाता है कोई नहीं जाता, लेकिन वेद और मनुस्मृति के सहज जो परंपरा चली आ रही है उसको सभी मानते हैं, उसके तहत सभी जीवन जीते हैं, उसके तरह सभी मानते हैं कि यह सच है करके, यह ऐसा होता है। सो जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ एक बार शिक्षित कर देते हैं, परंपरा में चलाते हैं और बाद में वो निद्रिस्त हो जाते हैं, फिर उनकी जरूरत नहीं होती, परंपरा खुद अपना काम करते रहती है। तो इस तरह से हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो आदर्शवत तत्व ज्ञान है, हमारा जो जीवन का तत्व ज्ञान है, उससे हम अपने आप को जुदा नहीं समझते। इसलिए मेरे मत के विरोध में किसी ने मत दिया तो मेरे यहां चोट हो जाती है, मुझे लगता है ये मेरा विरोधी है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मत का नहीं है। बाबा साहब ने इसलिए इस देश में इसी के आधार पर, इस कलाम सूत्र के आधार पर लोकशाही प्रस्तावित की कि विरोधी मत का है आपका शत्रु नहीं है, संसद में विरोधी पक्ष आपका शत्रु नहीं है, सत्ताधारी पक्ष सही है ऐसा नहीं है,
संसदीय लोकशाही में कोई भी किसी के भी मत के विरोध में बात कर सकता है, वो शत्रु नहीं है। अपने अपने मत के अनुसार सच क्या है, प्रजा के लिए योग्य क्या है, यह लोकशाही के माध्यम से उजागर करने के लिए संसद है। लेकिन हम इतने आइडियोलॉजिकली फिक्स हो जाते हैं कि इसके विरोध में बात किया तो यह शत्रु हो गया। ये नहीं बताता बुद्ध इस बात के विरोध में बात कर रहे हैं। तो यह जो कालाम सूत्र है यह बहुत ही एक स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र सोच के लिए, सही गलत की गलत ठहराने के लिए, उसकी विश्लेषण करने के लिए हमें बहुत मार्गदर्शक है। तो फिर इस तरह से इसको देखने की कोशिश कीजिए, और जो भी मैंने बताया आपको भी कोई उदाहरण लगते होंगे, और जो मैंने कहा कि क्या आपका जो अस्तित्व बना है आज के तारीख में, जो मैंने कहा कि हम सभी उसी से बने हैं, क्या आपको मान्य है, तो आप इसके ऊपर चिंतन करो। अभी कल ग्रुप डिस्कशन में चर्चा करो कि आपका अस्तित्व क्या अनुसरों से बना है, क्या परंपरा से बना है, क्या ऐसा ही है से बना है। सो आपका अस्तित्व बनाने में इनकी क्या भूमिका है, यही आपका एक में सवाल है कल के ग्रुप डिस्कशन के लिए। कल का कुछ बचा होगा तो वो भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज जो है आपको कल के ग्रुप डिस्कशन के लिए ये आपके सामने सवाल है कि आपका जो कुछ भी व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व क्या इन तीन बातों से बना हुआ है।